हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा कटलेट, जो कि माउथ वाटरिंग डिश है। उम्मीद है आपके मुंह में पानी आ ही रहा होगा, तो देर नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे बनता है पोहा कटलेट। उसके लिए सबसे पहले हमें 1 कप पोहा चाहिए होगा, 2 से 3 आलू चाहिए होंगी बॉइल्ड, और पोहा को हम पहले मिक्सी जार में मिक्सी करके पाउडर के फॉर्म में ले आएंगे और आलू को मैश कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पोहा को पाउडर के फॉर्म में बना लिया है कुछ इस तरीके से, और आलू को भी मैश कर लिया है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्च, कसूरी मेथी और नमक स्वाद अनुसार चाहिए। तो एक प्लेट में पहले हम आलू को पूरी तरीके से फैला लेंगे, और ध्यान रखें आलू जो है इसमें कोई भी गुलथी ना पड़े, पूरी तरीके से मैश, बिल्कुल पूरी तरीके से मैश हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ये जितनी भी सारी चीज़ें थी इन सबको डाल लेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है इनकेस, तो आप हरी धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें जो हमने पाउडर बनाया था पोहा का, 1 टीस्पून डालेंगे, और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए स्पून से होगा नहीं, तो अभी मैं आपको हाथ से करके बताऊंगी, और इसको अच्छे से मैश करते हुए एक डो बना लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ डालते जाएंगे पोहा पाउडर। तो ध्यान रखें इस कंडीशन में क्या करना है आपको, पोहा जो है आपका आलू से कम ही रहना चाहिए, जितनी भी आपने आलू ली है ना उससे कम ही आपको पोहा का पाउडर लेना है, अदरवाइज ये बाइंड नहीं होगा और आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए, जब 2-3 मिनट तक आप जब इसको मलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और पूरा डो की फॉर्म में बन जाएगा। तो जब ये डो की फॉर्म में बन जाए, तो इसको आप 2 से 3 या 5 मिनट तक आप इसको रेस्ट पे छोड़ दें, और उसके बाद इसको बनाना शुरू कर दें। तो ये देखिए हमारा डो बन चुका है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से बन सके। ये देखिए, तो चलिए अभी मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, और थोड़ा सा लेकर के इसको मैं रोल रोल करूँगी। थोड़ी सी लोई लेनी है, छोटी सी जितनी लेमन होता है, ये देखिए। और बस इसको हल्के हाथों से करना है, टाइट हाथों से नहीं करना है, अदरवाइज ये टूट जाएंगे। ये देखिए, इसको फैलाते हुए जैसे हम नॉर्मली रोल करते हैं, कोई बात नहीं, ये टूट गया है तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो देख सकते हैं ना अभी टूट जाएगा। तो इसको पतला करते हुए आप इसको इस तरीके से लंबा कर लें। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, बट अगर आप ये देंगे ना तो आपको मज़ा आएगा खाने में। तो ये देखिए रेडी हो गया, और इसके ऊपर मैं लगा दे रही हूँ पोहा पाउडर, जो बचा था थोड़ा सा वो लगा दे रही हूँ। और आपकी विषय, आप नहीं चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गए, तो चलिए इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो अभी ऑयल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब शुरू करते हैं स्टिक को डालना। तो ये अभी हमारी पोहा कटलेट जो है, क्या नाम दूँ इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ना कि इसको मैं पोहा कटलेट का नाम दूँ, या पोहा स्टिक रहेगा, या पोटैटो चिप्स, क्या मतलब क्या दूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसको हमें 5 से 7 मिनट इसको कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम में, और ये कुछ गोल्डन ब्राउन इस टाइप से हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। और भैया, अब तो मुझसे कंट्रोल हो नहीं रहा, तो मैंने सीधा निकाल लिया इनको सर्विंग बाउल में। लग रहे हैं ना टेस्टी, और सीरियसली बहुत क्रिस्पी भी हैं। अगर आप इन्हें गर्म गर्म खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेंगे, और सॉस के साथ तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है ये। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी हो रखा है, ये देखिए बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मज़ा आ जाएगा खाने में सच में, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसे साइड रख देते हैं, और लीजिए आपके लिए रेडी हो गया है ये पोहा कटलेट, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। अब भाई इससे सरल मैं क्या दूं, अगर आप बिगनर्स हैं ना तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आज का मेरे ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके तो बता ही दीजिएगा भाई, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए, और जाते जाते भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टाटा, बाय बाय।